नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रसोईयात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा चौहान और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं लौकी की खीर। इसे दूधी की खीर भी बोल देते हैं दोस्तों। तो लौकी की खीर बनाना बहुत ही आसान है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो लौकी की खीर बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं 500 ग्राम लौकी, जिसे मैंने अच्छे से धो के इसके बीज को निकाल के इसे अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। तो जो भी लोग अगर लौकी खाना पसंद नहीं करते हैं, वो इस तरीके से रेसिपी को बना सकते हैं और इसके पौष्टिक तत्व को भी ले सकते हैं। लेकिन खीर बनाने के लिए हम इसका पानी निकाल देंगे। तो दोस्तों, हमने लौकी का पानी निकाल दिया है और अब टाइम है लौकी को भूनने का। तो लौकी को भूनने के लिए हम यहाँ पे कढ़ाई को गरम कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 से 2 चम्मच घी। तो फ्रेंड्स, अगर आप कढ़ाई में लौकी को नहीं भूनना चाहते तो आप इसे माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। कद्दूकस की हुई लौकी को 5 से 6 मिनट आप माइक्रोवेव करके डायरेक्ट इसकी खीर बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने घी गरम कर लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे अपनी कद्दूकस की हुई लौकी। तो दोस्तों, कद्दूकस की हुई लौकी को हम गैस पे मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक के लिए पकाएंगे और बीच बीच में हम इसे हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से चिपके नहीं। हम तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारी लौकी का जो थोड़ा सा कच्चापन है वो चला ना जाए। तो दोस्तों, आप लौकी की खीर में मावा भी डाल सकते हैं, मावा डाल के भी खीर बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे हमारी लौकी अच्छे से भून चुकी है। तो दोस्तों, यहाँ हमने 1 लीटर दूध लिया है जिसे हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। 1/2 किलो लौकी के लिए हमने 1 लीटर दूध लिया है, इसे हम गर्म होने देंगे और उसमें 1 से 2 उबाल आने देंगे। तो दोस्तों, दूध अच्छे से उबल चुका है और दूध उबलने के बाद हम इसमें डाल देंगे कद्दूकस की हुई लौकी और इसे हिलाते हुए पकाएंगे। तो दोस्तों, इस लौकी के खीर को हम धीमी आंच पे पकाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट तक के लिए और तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारी जो लौकी की खीर है वो थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाती, थोड़ी गाढ़ी नहीं हो जाती। तो दोस्तों, ये रेसिपी टेस्टी तो है ही, साथ ही साथ ये रेसिपी आप सभी के हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। तो आप बना के घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों, लौकी और दूध जब आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसे देखने के लिए हम एक चम्मच से लौकी और दूध को जब गिराएंगे तो वो दोनों साथ में गिरेंगे, जिसे हमें पता चल जाएगा कि अच्छे से मिक्स हो चुका है। लौकी और दूध अच्छे से मिक्स होने के बाद अब बारी है चीनी डालने की। यहाँ मैंने 1/2 कप चीनी लिया है। आप चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसमें मिल्कमेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 200 ग्राम मिल्कमेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मिल्कमेड डालने के बाद आप चीनी की क्वांटिटी को कम कर दीजिएगा। इसके बाद हमने यहाँ पे डाले हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। यहाँ मैंने कुछ कटे हुए बादाम लिए हैं। आप ड्राई फ्रूट्स कोई भी डाल सकते हैं अपनी चॉइस का, काजू या बादाम अपनी चॉइस का डाल सकते हैं। तो दोस्तों, चीनी और ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हम अपनी लौकी की खीर को 3 से 4 मिनट तक के लिए पकाएंगे अच्छे से और इसे अच्छे से मिला लेंगे।
इसके बाद हम अपनी लौकी की खीर में डाल देंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने से लौकी की खीर का टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ये खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो लीजिए, हमारी लौकी की खीर बनके रेडी है। आप चाहे तो इसे गरम सर्व कीजिए, आप चाहे तो इसे ठंडा सर्व कीजिए। तो मैं यहाँ पे इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ मैंने लौकी की खीर को एक सर्विंग बाउल में निकाल दिया है, लेकिन इसे अब हम गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट्स के साथ। यहाँ मैं कुछ कटे हुए बादाम के साथ इसे गार्निश करूँगी। तो लीजिए, हमारी लौकी की खीर एकदम रेडी है खाने के लिए। आप भी ट्राई कीजिएगा अपने घर पे और अपने बच्चों को, बड़ों को, सभी को बना के खिलाइएगा। आप इस रेसिपी को फास्ट के टाइम पे भी बना के खा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।